राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। इस वक्त हैं लखनऊ से 18 किलोमीटर दूर, हम बक्सी के तालाब के पास। माँ चंद्रिका देवी का मंदिर है यहाँ पर, और आज नवरात्रि का आखिरी व्रत है, यानी कि आज नवमी है। लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, और आपको अंदर दिखाएंगे कि लोग किस तरह से यहाँ पर दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। बताते हैं कि इस मंदिर की महिमा है कि 300 साल से ज़्यादा पुराना यह मंदिर है, और लोग लखनऊ से ही नहीं आसपास के प्रदेशों से भी दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर प्रांगण में, और आपको दिखाएंगे अंदर के दर्शन। पूजन माँ दुर्गा के भक्तों ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया। चंद्रिका देवी माँ का मंदिर लखनऊ की गोमती नदी के घाट पर स्थित मंदिर, पौराणिक तीर्थ माँ चंद्रिका देवी का दरबार, अमावस्या से लेकर नवरात्र भर घंटों और माँ के जयकारों से गूंजा रहता है। चंद्रिका देवी के बारे में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को माँ भगवती के भक्त सुदन्वा द्वारा रोक लिया गया था। कहा जाता है कि महाराज दक्ष के श्राप से भगवान चंद्रमा को भी सुधन्वा कुंड में स्नान करने से क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। स्कंद पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि नारद जी द्वारा बुलाई गई नौ दुर्गा यहां निवास करती हैं। आज शारदीय नवरात्र के आखिरी नवरात्र पर भक्त बड़ी संख्या में यहां चंद्रिका देवी दर्शन के लिए आए हुए हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि कोविड की वजह से जो हमारी व्यवस्थाएं कमेटी की तरफ से की गई हैं, वो आप देख रहे हैं कि हर जगह पे हमने जो है हेल्प डेस्क भी बना रखा है। हर जगह जो है हमारे जो समिति की तरफ से हर जगह सैनिटाइजर है, बाकायदा श्रद्धालु जो उनके अंदर जिज्ञासा है, जो माता रानी के प्रति प्यार है, वो आप देख सकते हैं कि वो कोविड की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारे समिति की तरफ से और मंदिर प्रांगण की तरफ से पूरा जो है यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, और अभी मौजूदा हालत में आप देख सकते हैं कि तब भी श्रद्धालु माता रानी की एक झलक पाने के लिए जो है कोई कोविड का जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो हम लोग पालन करा रहे हैं उसमें भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चूक हो रही है। और बाकी रही बात जो आपने कही कि माता रानी की, तो आप देख सकते हैं इस बार नवरात्रि में, पिछली बार जो था कोरोना काल के कारण पूरा स्थगित कर दिया गया था, और इस बार जो है ये जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और जो हमारे प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस दी गई उसमें मंदिर प्रांगण में दुकानों को बंद रखा है। ऐसी बात है कि अगले जनवरी 21 में अमावस्या का मेला जरूर लगे। तो उन्होंने बताया कि लोग माता के दर्शन करने के लिए इतना ललायित हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल रहे हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी साथ निभाएं। हमारे साथ सुमित जी भी हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं मंदिर के बारे में, साथ ही आज नवरात्रि का नवमी का दिन है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कोरोना के ऊपर। सुमित जी क्या कहना चाहते हैं जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, साथ ही नवरात्रि का अष्टमी का दिन, नवमी का दिन है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे आप पहले तो आपके माध्यम से पूरे समस्त प्रदेश और देशवासियों को दुर्गा अष्टमी और नवमी की मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि ये कोरोना काल चल रहा है, मैं सभी को एक मैसेज भी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लॉकडाउन के जो नियम है, मास्क को लगा कर रखा जाए और सैनिटाइजर को भी अपने साथ लेकर चला जाए, इन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है, आज तक मैंने यहाँ पर नहीं सुना कि किसी का आके आघित हुआ है। और जैसा कि कोरोना काल नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी संख्या में भक्तजन आए हुए हैं, और हम भी दर्शन करने के लिए आए थे, हमें अच्छा लगा। यहाँ की समिति की तरफ से भी कई सारी व्यवस्थाएं हमने देखी हैं, कई जगह पे डेस्क लगा रखे गए हैं, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था समिति की तरफ से की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशासन की थोड़ी सी यहाँ पे चूक हो रही है, कि प्रशासन को मदद करनी चाहिए थी। यहाँ के जो मेला कमेटी में जो लोग दुकान पटरी दुकानदार थे, अब वो इस समय बेरोजगार हो चुके हैं, जब क्योंकि उनकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही थी। प्रशासन ने उनको बंद करने का जो आदेश दे दिया, लेकिन वो जो लोग उनका परिवार यहाँ से पटरी दुकानों से चल रहा था, उनके बारे में प्रशासन ने सोचा। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ, उन पटरी दुकानदारों के बारे में भी सोचें, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे। गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट है, यहाँ के जो पटरी दुकानदार जिनका बिजनेस बंद करा दिया गया है, वहाँ धंधा बंद हो गया है, उनके परिवारों को, उनके परिवारों के बारे में भी थोड़ा।
सुरजी ने बताया कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही जो पटरी की बंद आ रहे हैं उनके लिए भी चिंतित होकर उन्होंने दिखाया है कि वो बेरोजगार हो चुके हैं। लॉकडाउन कोविड की वजह से सभी की कमाई टूट चुकी है और जो पटरी दुकानदार हैं जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं उनके लिए एक संकट पैदा हो चुका है। तो उन्होंने सरकार से अपील किया कि उन लोगों के लिए जरूर कोई ना कोई साधन उपलब्ध कराए जिससे कि हमने दिखाया कि मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ है, लोग दर्शन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, लोगों के हाथ सैनिटाइजर किए जा रहे हैं, साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें मगर माता के भक्त माता के दर्शन करने के लिए इतने ललायत हैं कि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। आपका नाम क्या है? अनुपम मिश्रा। मैं आता रहता हूँ लेकिन हर नवरात्र में आता हूँ। शासन की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी, सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क का सबने बाकायदा पालन किया है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था मुझे लगी। दर्शन सबका आशीर्वाद। हाँ तो मैं वाइफ के साथ में। अच्छा, वाइफ निकल रही है यहाँ से। मेला अगर नहीं लगा है तो हम लोग के फायदे के लिए नहीं लगा है कि अगर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी कोरोना का फैलने का खतरा ज़्यादा होगा। अब खतरा कम है, हम सबके लिए फायदा ही है क्योंकि भाई लगी है, थोड़ा डिस्टेंस पे लगी है, पूरे कानूनी व्यवस्था सारा सब कुछ अच्छा। तो आपने देखा लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं और वो खुद मानते हैं कि मेला नहीं लगा है तो लोगों की सेफ्टी के लिए नहीं लगा है। अपने सहयोगी मनोज वर्मा के साथ कंट्री साइड न्यूज़ से।